हेलो दोस्तों, ये देखिए मेरे पास कच्ची आमियाँ पड़ी थी तो मैंने सोचा इसका मीठा गलका बनाया जाए, खट्टा मीठा, और या आप लोग जो लौंजी कहते हो ये, तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 किलो अपनी आमियाँ और इनको खूब अच्छे से छील लिया है इस तरीके से। ये देखिए कैसे छीला है, ये देखिए ऐसे छील रही हूँ मैं, पूरा इनको छील लेंगे छिलका उतार के और बीज से कट करके, और उसके जो बीजे होंगे वो हम निकाल लेंगे। ये देखिए जैसे मैं छील रही हूँ ना, बिल्कुल आपको ऐसे ही छीलना है। और अभी अमियों में जाली नहीं पड़ी हुई है तो ये देखिए इनकी बीजे अच्छे से निकल जाते हैं आसानी से, ये देखिए निकल गए। और इसी तरह आपको सारी अमियों को छील लेना है जैसे मैंने छील लिया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरी अमियों को छील लिया है, धोकर साफ़ कर लिया है, उनके बीजे निकाल दिए हैं और अब मैं इसे एक पैन में डाल दूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे एक पैन में डाल लिया है, ये देखिए खूब अच्छे से, ये देखिए इस तरीके से सारी अमियों को मैं पैन में डाल दूंगी और फिर उसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, हाँ बहुत थोड़ा सा, जिससे कि हमारी अमियाँ जो हैं वो थोड़ा पक जाए। यहाँ पर पहले मैंने डाला है थोड़ा नमक और उसके बाद फिर उस पर डालूंगी मैं पानी। ये देखिए थोड़ा सा पानी डालना है कि हमारी अमियाँ बस पक जाएं, गल जाएं, ताकि ये देखिए। और अब मैं इसे चला लूँगी, ये देखिए कैसे धीरे धीरे अमियाँ मेरी पकना शुरू हो गई हैं, ये देखिए बिल्कुल पक गई हैं। और यहाँ पे लिया है मैंने गुड़ और उस पर मैंने डाला है गर्म पानी। जी हाँ, गुड़ में मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया है और ये देखिए मेरा गुड़ एकदम मेल्ट हो गया है। अब मैं इसे छान लूँगी, ये देखिए इसे मैंने छान लिया अच्छे से, ये देखिए। और अब जो अमियाँ मेरी पक गई थी उसी में मैं ये गुड़ का पानी अच्छे से डाल दूँगी, ये देखिए गुड़ का पानी। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चीनी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए अब हमें खूब अच्छे से इसे पकाना है। अब जब ये पक गएगा तो मैं इसमें सूखा मसाला डालूँगी। पहले मैंने इसमें भुना धनिया, भुना जीरा, भुनी सौंफ और ये देखिए कलौंजी, और ये सबको डाल देंगे। फिर डालेंगे कुटा हुआ लाल मिर्च। जी हाँ, इसमें कुटा हुआ लाल मिर्च बहुत अच्छा लगता है। एक बार ज़रूर इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप खट्टा मीठा गलका बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा और बहुत टेस्टी लगता है। और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देंगे जिससे हमारी जो लौंजी या गलके का कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। और फिर इन सबको खूब अच्छे से चलाएंगे जब तक कि हमारा थोड़ा सा जो ये है वो थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए, और इसे खूब अच्छे से पकाएंगे ढककर। और ये देखिए ये एकदम गाढ़ा हो गया है और ये एकदम बिल्कुल बनकर तैयार है। और अब हम इसे कांच के जार में रख देंगे और ये हमारा कम से कम 15 दिन तक ख़राब नहीं हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ओके, बाय।